हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयर के 11वें यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब तक हम डेयर के 10 यूजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस देखते रहेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आइए गाइस इसको समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल डेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं कुछ पिछले कॉन्सेप्ट में डेयर के बता चुका हूं कि सब्जेक्ट विल डेयर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसा भी आता है तो भी कॉन्सेप्ट वही है, और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आईएनजी में लगा देते तो कॉन्सेप्ट वही है। कर्ता को कुछ करने की हिम्मत होगी या कर्ता को कुछ करने का साहस होगा। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, मुझे उसे पीटने की हिम्मत होगी, उसे स्टेज पर जाने की हिम्मत होगी, हमें प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत होगी, मुझे उसे डराने की हिम्मत होगी, राम को रावण को मारने की हिम्मत होगी, मुझे इंग्लिश पर कमांड करने की हिम्मत होगी, हमें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत होगी, आपको क्रिकेट खेलने की हिम्मत होगी, विराट कोहली को शतक बनाने की हिम्मत होगी। जब कर्ता को किसी काम को करने की हिम्मत होगी या कर्ता को कुछ करने का साहस होगा तभी उस सिचुएशन में हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे तो आप सब्जेक्ट विल डेयर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें, या इसकी जगह सब्जेक्ट विल डेयर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी, आपको कौन सी चीज ज्यादा सिंपल लगती है, ठीक है। पर मेरा तो मानना है सभी में हर एक स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करके देखिए, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान होगी। जैसे मेरे लिए मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो आई विल डेयर हंटिंग द टाइगर या हंटिंग द लॉयन। उसे स्टेज पर आने की हिम्मत होगी, सो ही विल डेयर कमिंग ऑन द स्टेज। मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत होगी, सो आई विल डेयर फेसिंग द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत होगी, सो वी विल डेयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उन्हें परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत होगी, सो दे विल डेयर फाइटिंग विद द प्रॉब्लम्स, फाइटिंग विद द सिचुएशन, फाइटिंग विद द कंडीशन, जो भी आपको बोलना है। जैसे उसे स्टेज पर आने की हिम्मत होगी, so he will dare coming on the stage। मुझे आपको पढ़ाने की हिम्मत होगी, so I will dare teaching you। हमें शेर के साथ लड़ने की हिम्मत होगी, so we will dare fighting with lion। उसे चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होगी, he will dare facing the challenges। चुनौती मतलब challenges है ना, मुझे आपका challenge accept करने की हिम्मत होगी, so I will dare accepting your challenge। जैसे मुझे championship जीतने की हिम्मत होगी, I will dare winning the championship। तो मैं competition में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत होगी, so you will dare participating in the competition। हमें records बनाने की हिम्मत होगी, so we will dare making the records। उसे stage पर भाषण देने की हिम्मत होगी, so he will dare speaking on the stage। speech मतलब भाषण देना, verb है, चाहे तो आप deliver a speech भी कर सकते हैं, so he will dare speaking on the stage। मुझे उसे सबक सिखाने की हिम्मत होगी, so I will dare teaching a lesson to him। अब ये ing form ही आता है, teaching a lesson to him। जैसे मोहन को उसे पीटने की हिम्मत होगी, मोहन विल डेयर बीटिंग हिम। मुझे राम को थप्पड़ मारने की हिम्मत होगी, आई विल डेयर स्लैपिंग राम। स्लैप वर्ब होती है, थप्पड़ मारना, उसमें आईएनजी स्लैपिंग राम, सो आई विल डेयर स्लैपिंग राम। इसी तरह दोस्तों पांचों स्ट्रक्चर्स में भी बना सकते हैं। जैसे मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत होगी, उसे है ना, सो आई विल डेयर स्लैपिंग हिम। मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं होगी, आई विल नॉट डेयर स्लैपिंग हिम। क्या मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत होगी, सो विल आई डेयर स्लैपिंग हिम। मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत क्यों होगी, सो व्हाई विल आई डेयर स्लैपिंग हिम। किसे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत होगी, सो हु विल डेयर स्लैपिंग हिम। जैसे टीचर को क्लास को मैनेज करने की हिम्मत होगी, टीचर विल डेयर मैनेजिंग द क्लास। टीचर को क्लास को मैनेज करने की हिम्मत नहीं होगी, टीचर विल नॉट डेयर मैनेजिंग द क्लास। क्या टीचर को क्लास को मैनेज करने की हिम्मत होगी, विल टीचर डेयर मैनेजिंग द क्लास। टीचर को क्लास को मैनेज करने की हिम्मत क्यों होगी, सो व्हाई विल टीचर डेयर मैनेजिंग द क्लास। किससे क्लास को मैनेज करने की हिम्मत होगी, सो हु विल डेयर मैनेजिंग द क्लास। मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होगी, सो आई विल डेयर एक्सेप्टिंग योर चैलेंज। मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होगी, आई विल नॉट डेयर एक्सेप्टिंग योर चैलेंज। क्या मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होगी, विल आई डेयर एक्सेप्टिंग योर चैलेंज। मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों होगी, व्हाई विल आई डेयर एक्सेप्टिंग योर चैलेंज। और किसे आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होगी, हु विल डेयर एक्सेप्टिंग योर चैलेंज। तुम्हें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत होगी, यू विल डेयर मेकिंग रिकॉर्ड्स। तुम्हें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत नहीं होगी, यू विल नॉट डेयर मेकिंग रिकॉर्ड्स। क्या तुम्हें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत होगी, विल यू डेयर मेकिंग रिकॉर्ड्स। तुम्हें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत क्यों होगी, व्हाई विल यू डेयर मेकिंग रिकॉर्ड्स। किससे रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत होगी, हु विल डेयर मेकिंग रिकॉर्ड्स। मुझे
उससे लड़ने की हिम्मत होगी. आई विल डेयर फाइटिंग विथ हिम. मुझे उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी. आई विल नॉट डेयर फाइटिंग विथ हिम. क्या मुझे उससे लड़ने की हिम्मत होगी? विल आई डेयर फाइटिंग विथ हिम. मुझे उससे लड़ने की हिम्मत क्यों होगी? व्हाई विल आई डेयर फाइटिंग विथ हिम. और किसे उससे लड़ने की हिम्मत होगी? सो हु विल डेयर फाइटिंग विथ हिम. इस तरह हम ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हिम्मत या साहस का भाव आ रहा हो. ठीक है दोस्तों, कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस देखते हैं. जैसे उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी. उसे मतलब कोई लड़का है. ही विल डेयर हंटिंग. अब आईएनजी फॉर्म लग जाएगा. हंटिंग द लायन. उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी. ही विल डेयर हंटिंग द लायन. राम को रावण को मारने की हिम्मत होगी. सो राम विल डेयर किलिंग द रावणा. किलिंग द रावणा. सो राम विल डेयर किलिंग द रावणा. उन्हें रिस्क लेने की हिम्मत होगी. उन्हें मतलब दे. सो दे विल डेयर रिस्क लेने की. टेकिंग रिस्क. सो दे विल डेयर टेकिंग रिस्क. हमें उसे कन्विंस करने की हिम्मत होगी. हमें. सो वी विल डेयर कन्विंसिंग हिम. वी विल डेयर कन्विंसिंग हिम. हमें उसे कन्विंस करने की हिम्मत होगी. मुझे नया व्यापार शुरू करने की हिम्मत होगी. सो आई विल डेयर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. I will dare starting a new business. मुझे नया व्यापार शुरू करने की हिम्मत होगी. दोस्तों कोई एक सेंटेंस लेते हैं जिसको पांचों में कन्वर्ट करके देखते हैं. जैसे मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत होगी. सो आई विल डेयर चैलेंजिंग यू. आई विल डेयर चैलेंजिंग यू. मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होगी. सो आई विल नॉट डेयर चैलेंजिंग यू. क्या मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत होगी? विल आई डेयर चैलेंजिंग यू. मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई विल आई डेयर चैलेंजिंग यू. और किसे आपको चैलेंज करने की हिम्मत होगी? सो हु विल डेयर चैलेंजिंग यू. तो गाइज इस तरह आप सेंटेंस बना बना के जितना ज्यादा देखेंगे ना उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. ये कोई टफ चीजें नहीं है. सिर्फ ये चीजें प्रैक्टिस मांगती है. तो डेयर के अब तक मैंने 11 यूजेस कंप्लीट किए. उम्मीद करता हूं आपको हर एक यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो इन वीडियोज को रिपीट करके देखिए. मैं कैसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स को सुनिए, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी. उम्मीद करता हूं इन वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मैं जो आप लोगों को टीच करना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end.